तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं हिंदी ओल्ड लोफी सॉन्ग में सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं डेली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फोटो यूज होने वाला है ये फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो इफेक्ट यूज होने वाला है वो इफेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद नीचे प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना, और देखो ये जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद देखो जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है ये सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो बीट है ये बीट को कुछ भी नहीं करना है, ये बीट से मैं इफेक्ट को बनाया हूँ। अब भी ट्राई कर सकते हो अलग इफेक्ट, तो इसलिए मैं हटाया नहीं। और देखो ये जो रेक्टेंगल और ये जो ग्रुप लेयर है ये दोनों लेयर में मैं इफेक्ट ऐड करके रखा हूँ, तो ये लेयर को भी कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट बिट में आ जाना, और फर्स्ट बिट में आने के बाद दोस्तों अब जिस फोटो पे वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फोटो को ऐड करने के लिए देखो नीचे जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद ऊपर में देखो जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। तो देख सकते हो जो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, एकदम लास्ट बिट में आ जाना, और लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो जो फोटो ले आ रहा है एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर एक ब्लैक शैडो ऐड करेंगे। तो ब्लैक शैडो ऐड करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, देखो प्लस ऑप्शन को टच करना और ये वाला रेक्टेंगल को ले लेना। उसके बाद देखो ऊपर में थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। तो ये जो दोस्तों जो शेप लेयर है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, कलर ऑप्शन में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और टच करने के बाद देखो ऊपर में जो डॉट है ये डॉट को नीचे कर लेना, और ये जो डॉट है ये डॉट को ऊपर कुछ इस तरह करके सबसे पहले एडिट कर लेना। और एडिट करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन है पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। तो देख सकते हो नीचे कुछ इस तरह हमारा शेडो ऐड हो गया। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में आ जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो ये जो हमारा जो रेक्टेंगल है देखो कुछ इस तरह एडिट हो गया। तो इसको डुप्लीकेट लेयर कर लेना। तो डुप्लीकेट करने के लिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से डुप्लीकेट लेयर कर लेना, और डुप्लीकेट करने के बाद ये जो लेयर है लेयर को टच करना, कलर ऑप्शन में फिर से आ जाना, और ये जो नीचे जो डॉट है ये डॉट को ऊपर ले जाना। और ऊपर ले जाने के बाद दोस्तों इसको ठीक से एडिट कर लेना यहाँ पर देखो ऊपर में, और ठीक से एडिट करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो कलर है जो देखो यहाँ पर जो ब्लैक कलर है इसको टच करना होगा, और इधर से कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेना अलग कलर। तो देखो मैं ये कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक कलर मैं रख देता हूँ देखो ये वाला, और फिर से ठीक से एडिट कर लेना। और ठीक से एडिट करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना और कुछ भी नहीं करना होगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल वन है ये लेयर को ऐसे दबा कर रखना होगा, और ये जो फोटो है इसके ऊपर रखना होगा ये फोटो के ऊपर। और यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर को टच करना होगा, और ग्रुप लेयर को टच करने के बाद एकदम सबसे ऊपर ले जाना कुछ इस तरह। तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह हमारा स्टेटस बन जाएगा। तो दोस्तों अभी तक पूरा नहीं हुआ है स्टेटस बनाना, और भी काम बाकी है। तो फिर से फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक पीएनजी फोटो ऐड करेंगे। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए दोस्तों प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों ये जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। देखो इस वाले पीएनजी फोटो को ऐड करने के बाद मूवमेंट ट्रांसफर में आ जाना,
जूम ऑप्शन में आ जाना और अपने हिसाब से छोटा रख लेना। छोटा रखने के बाद दोस्तों ऊपर में जो फर्स्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और नीचे अब जहाँ रखना चाहते हो उधर यहाँ पर रख देना। तो देखो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना फिर से और एकदम लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो पिंज फूटा वो एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो एक पिंज बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो पिंज बॉर्डर जो है ये पिंज बॉर्डर मैं पहले भी यूज किया हूँ, तो ये वाला पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना। अगर आपको पसंद नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो पिंज बॉर्डर को ऐड करने के बाद दोस्तों प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और दोस्तों देखो ये जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना, देखो इस वाले पिंज बॉर्डर को। और ऐड करने के बाद दोस्तों एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो पिंज बॉर्डर जो है हमारा एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो हमारा जो मेन फोटो लेयर है ये फोटो लेयर में इफेक्ट देंगे। तो ये फोटो लेयर में इफेक्ट देने के लिए दोस्तों बैक हो जाना और इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना होगा। इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मेन फोटो लेयर है ये मेन फोटो लेयर को टच करना होगा और इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ हमारा फर्स्ट में इस तरह इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो स्टेटस वीडियो है बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों आप भी ऐसे करके स्टेटस को बना लेना। और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद दोस्तों मेरा जो स्टेटस वीडियो है मतलब आप जो स्टेटस बनाओगे उसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो उसके लिए ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो नहीं था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।